अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। आफ्टर दैट हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के इक्वल हो। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रेक्टेंगल। उसके लिए गिवन है टू एडजेसेंट साइड्स 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है और 5 सेंटीमीटर लेंथ है। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर का। इस लाइन सेगमेंट को हमने ए बी का नाम दे दिया। 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। आफ्टर दैट क्योंकि हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, हम पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस एंगल को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसको हम ए ई का नाम दे देंगे क्योंकि दूसरी एडजेसेंट साइड 2.5 सेंटीमीटर थी। हम कंपास को 2.5 सेंटीमीटर खोलकर एक आर्क लगाएंगे जो ए ई रे को एट पॉइंट डी इंटरसेक्ट करेगी। आफ्टर दैट डी को मरकज मानकर हम लगाएंगे। फर्स्ट आर्क हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ की ड्रॉ की और सेकेंड आर्क हम पॉइंट बी को मरकज मानकर, ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को पॉइंट सी का नाम दे दिए। अब सी को ज्वाइन करेंगे बी के साथ और इसी तरह सी को ज्वाइन करेंगे डी के साथ टू कंप्लीट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। इस तरह एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट होगी ए बी सी डी जिसमें ये लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। आफ्टर दैट हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के इक्वल हो। उसके लिए हम जितनी लेंथ बी सी की है बी सी को इतना आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमने कंपास को बी सी के बराबर खोलकर यहां पर एक आर्क लगाई। अब बी सी को आगे बढ़ाएंगे, जिस पॉइंट पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट को हम पॉइंट एफ का नाम दे देंगे। इस पॉइंट को हमने पॉइंट एफ का नाम दे दिया। अब हमने जो लेंथ डी एफ है इसको बाईसेक्ट करना है मिड पॉइंट मालूम करने के लिए। इसका हम डी एफ के हाफ से ज्यादा कंपास को खोलेंगे, आर्क्स लगाएंगे, एक आर्क ऊपर लगाई एक आर्क नीचे लगाई। इसी तरह एफ को मरकज मानकर हम टू आर्क्स लगाएंगे जिन पॉइंट्स पर ये आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं। इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो हमें राइट बाइसेक्टर मिल जाएगा। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन नहीं है इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट आ रही है डी एफ को, इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं। अब हम एक सेमी सर्कल डिस्क्राइब करते हैं ऑफ रेडियस ओडी का। कंपास को हम ओडी के बराबर खोलेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हम बी सी को इस सेमी सर्कल तक बढ़ाएंगे। तो बी सी को हमने प्रोड्यूस किया सेमी सर्कल तक, इस पॉइंट को हम पॉइंट जी का नाम दे देंगे जिस पॉइंट पर ये प्रोड्यूस्ड बी सी सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। अब हमने पॉइंट जी पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। पॉइंट जी पर हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया और इसको जी एच का नाम दे दिया। अब जितनी लेंथ जी सी की है कंपास को इतना खोलकर हम जी एच रे को कट ऑफ करेंगे। जिस पॉइंट पर ये कट हो रही है उस पॉइंट को हम पॉइंट आई का नाम दे देते हैं और हम नेक्स्ट सी एफ को प्रोड्यूस करेंगे जितनी लेंथ सी जी की है। तो हमने कंपास को जी आई के बराबर खोला
और पॉइंट सी को मरकज मानकर एक आर्क लगाई और सी एफ को आगे प्रोड्यूस कर दिया। इस पॉइंट को हम पॉइंट जे का नाम देंगे। अब हम पॉइंट आई को पॉइंट जे के साथ मिला देंगे इस तरह, जो हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा सी जे आई जी। इसका एरिया हमारे पास जो गिवन रेक्टेंगल थी ए बी सी डी इसके इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ सी जे आई जी। क्वेश्चन नंबर टू की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन की तरह है, बिल्कुल सेम इसकी फिगर बनेगी, लेकिन क्योंकि इसमें लेंथ 4.5 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर गिवन है, तो बेस जो है 4.5 सेंटीमीटर हम लगाएंगे और यहाँ पर 2.2 सेंटीमीटर बनेगा। आफ्टर दैट हमने क्वेश्चन नंबर टू में कंपेयर करने हैं बोथ ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। सो हम लेंथ क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर है, यहां हम 4.5 सेंटीमीटर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2.2 सेंटीमीटर, जो के बनती है 9.9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आफ्टर दैट हमने एरिया मालूम करना है स्क्वेयर का, तो एरिया ऑफ स्क्वेयर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर यानी कि 3. अच्छा इससे पहले इसकी जो लेंथ है आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होगी 3.1 और 3.2 के दरमियान में है बिल्कुल। सो हमने इसका एवरेज ले लिया यानी कि 3.1 प्लस 3.2 को 2 से डिवाइड किया तो सो ये बन गया 3.15। सो हम ये वाली जो लेंथ है ये 3.15 सेंटीमीटर ले लेंगे और ये सारी लेंथ फिर 3.15 सेंटीमीटर आ जाएंगी। तो एरिया के लिए 3.15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 3.15 में मल्टीप्लाइड बाय 3.15 करेंगे जो कि बनता है 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें ये जो एरिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये भी 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ स्क्वायर भी 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। सो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये कंपैरिजन भी हो गया है बोथ ऑफ द एरियाज। और आखिर में हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में ये करना था कि मेजरमेंट करनी थी हमने पेरीमीटर की, स्क्वायर के पेरीमीटर की हमने करनी है मेजरमेंट और रेक्टेंगल के पेरीमीटर की हमने मेजरमेंट करनी है और ये वेरीफाई करना है कि स्क्वायर की जो पेरीमीटर है वो लेस होती है। सबसे हम पहले हम इसकी मेजरमेंट्स करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसकी क्योंकि दो साइड 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं और दो साइड 2.2 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर हैं, तो हम 2 इंटू दोनों साइड्स को ऐड करते हैं 2.2 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 6.7 और हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 13.4 सेंटीमीटर बनता है। इसी तरीके से हम पेरीमीटर के लिए उसकी पेरीमीटर के लिए हम सबसे पहले मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए हम यहां पर देखेंगे कि जो ये लेंथ है सी जे लेंथ ये 3.1 और 3.2 के बिल्कुल दरमियान में आ रही है, तो हम 3.1 और 3.2 की एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज लेंगे तो ये बनता है 3.15, क्योंकि ये स्केयर है तो इसकी हर एक लेंथ 3.15 सेंटीमीटर आएगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्केयर सी जे
आई जी ये इक्वल आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.15। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.15 को 4 के साथ तो ये 12.6 सेंटीमीटर आएगा। तो क्लियरली जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल की वो बन रही है 13.4 सेंटीमीटर और जो पेरीमीटर है स्क्वेयर की वो बन रही है 12.6 सेंटीमीटर। सो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज लेस देन दैट ऑफ रेक्टेंगल।